क्योंकि सुबह का टाइम है स्कूल जाने का, तो फटाफट से हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। 7 बज चुके हैं और यहाँ पे नाश्ते में है पराठा और चाय, तो ये तो मेरा फेवरेट नाश्ता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस ये देखिए कबाड़ से जुगाड़, जितनी भी कटिंग्स निकली हुई है उससे हम लोग सारा जुगाड़ कर रहे हैं। तो जितने भी क्लास 1 के टीचर्स हैं हिंदी वाले, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो जितने भी आइडियाज चाहिए तो आप लोग उससे ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, इनका नाम है शाइस्ता। ये वाला काम अभी स्टार्ट हुआ है और जो नया फंक्शन आने वाला है, तो अभी मैंने इसमें ड्राइंग करी है। तो कलरिंग मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि कलरिंग में मैंने क्या क्या किया है। तो अब जा रहे हैं घर और बारिश का मौसम हो गया है, तो बहुत ही घने घने बादल आ गए, इतने काले काले बादल हो गए थे ना, तो मुझे लग रहा था जहाँ मेरा घर है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। मौसम आ गया है। कितना अच्छा मौसम है भाई। तो सारी चीज़ें ना डिग्गी के अंदर रख लेते हैं, तो डिब्बा अंदर ही रह गया। तो यहाँ सामने के एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन उसके बाद जहाँ पे मैं पहुँची ना, तो ये ऐसा एरिया हो गया था कि जहाँ पे मेरी स्कूटी बंद पड़ जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ पे ये हम लोग खड़े हुए थे पेट्रोल पम्प के पास, और वहीं पे एक ऐसा एरिया था थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था, तो जो नीचे एरिया थे तो वो सारे भर गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कन्वेंस में भी लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। आप क्या होता है? जो भी छंडी वाली बात बता रही थी, शादी हुई थी। हाँ, तेज बोलो थोड़ा। जब शादी हुई थी मेरी, हाँ, तो दादी ने घी निकाला। हाँ, उसको हमने कभी देखा नहीं था, ऐसे निकाला जाता वैसे निकाला जाता, ठीक। दादी ने निकाल के रख दिया, कहने लगी इसको छान लेना छन्नी से। अब हमको पता नहीं था किसे छाने, थोड़ा गर्म था, हमने उठाया प्लास्टिक वाली छन्नी से, ये मतलब रखा छान दिया, वो गुप से इतना छेद अंदर से चला गया। अब हम यूँ छन्नी, अब क्या करें, अब मेरे तो बाहर देखे फिर छन्नी देखने का, अब कहें तो क्या कहें, पता नहीं क्या कहा था क्या नहीं। दादी ने बताया, हमने कहा बगैर उसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो पीला पड़ गया ना इसको, वही तो क्या हुआ, पानी बरसा। तो यहाँ पे हम लोग अपने अपने व्लॉग देखते हैं। तो यहाँ पहले तो सौरव जोशी वाले व्लॉग देखने वाले थे, फिर उसके बाद सोचा कि क्यों ना अपने पुराने वाले व्लॉग देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना शर्मा शर्मा के बोल रहे थे, तो अब थोड़ा सा फ्लो आ गया है। तो स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और ये व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत सिनेमेटिक व्यूज़ लिए थे इसमें, तो आप लोग ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाकी के सारे थोड़े थोड़े व्लॉग करके देखिएगा, तो उसमें आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा कि अब थोड़ा सा फ्लो में बोलने लगे हैं। रखी गई है और ये जहाँ पे बहुत सारे नया पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे ही इसको अच्छे से लगाया हुआ है, ये बहुत पहले से यहीं पे लगे हुए हैं। एक सेकेंड गाइस, तो ये हमारा कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, दिखाए कैसे दिखाया, फोन निकाल अरे यहाँ रखो, हम यहाँ बैठे तुम वहाँ बैठे। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी, तो ये सारे कपड़े सब भीग चुके थे, मेरा नकाब भी ये भीग चुका था, और रोड पे बहुत ज़्यादा पानी था, ये सारे कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं। और अभी तक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, लेकिन बारिश के बाद ना पेड़ बहुत ज़्यादा साफ साफ हो जाते हैं। जो मॉर्निंग का रूटीन था ना, मेथी जीरा जो भी बचा हुआ था
यहाँ पे डाल दिया था तो वहाँ पे पेड़ निकल है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए और यहाँ पे आटा ये गूंथ चुका है, तो अम्मी ने आटा गूंथा था और मेरी ड्यूटी है रोटी बनाने की। अरे की दाल अभी बता रहे हाँ ये आइडिया हमको पहले से पता है। ऐसे करिए ऐसे करिए नीचे दिखाइए मगर इनकी चल नहीं रही है। भैया सपोर्ट करो, इनका सब्सक्राइब करो और लाइक करो। लाइक ऐसे देखो लाइक करो लाइक करो। तुम क्या कर रही हो? ये किचन साफ कर रही हो? नहीं तो क्या कर रही हो? ये फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी की स्पेलिंग सुनो ऐसे लगे अच्छे लगते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं फॉर्मेलिटी होती है ना है मैं ऐसे लगे अच्छे लगते हैं ना इग्नोर ये छोटे वाले आगे होने चाहिए बड़े वाले पीछे होने चाहिए। सही छोटे आगे करो बड़े पीछे करो। अम्मी रोटी चावल जब से पहाड़ उठा रही इतने चावल खाए जी तुम्हारे ही हमारे नहीं रहने दो इतने नहीं खाएंगे हमारे ही नहीं तुम्हारे। हाँ ठीक तो यहाँ पे अचार है देखो अचार नीचे तले पे लगा हुआ है। और अभी हम लोगों को नींद नहीं आ रही रात के बज रहे हैं 12 और यहाँ पे काम चल रहा है। क्या कर रही प्लास्टिक तो उसमें दो कलर की प्लास्टिक है एक ये वाइट में और एक ये ब्लैक। बारिश की वजह से ना सारी दीवारों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ से पानी गिरता है तो वहाँ से तो ऐसे जैसा लग रहा है वहाँ पे नल लगा हुआ है ऐसे पानी गिरता है। तो दीवार देखिए जगह जगह पे कैसे फूला हुआ है तो सील नहीं है। क्या हम कह रहे हैं तुम उधर सामने देखो ना 1x को कहते हैं सिंगल 2x को कहते हैं डबल और 3x को कहते हैं ट्रिपल तो 4x को क्या कहते हैं चप्पल चप्पल वाह। और तुम बताओ और 5x को 5x को क्या कहते हैं पचपन नहीं 5 और 6 उसको कहते हैं छप्पल क्यों बेटा मतलब मंकी लग रही क्या कहते हैं 4x को कहते हैं क्वाड्रपल। हिंदी में बता हिंदी में कहिए चौबल पचपल ये बता रही बस सिंगल डबल जब इंग्लिश में कहते हैं तो आगे का हिंदी में कहेंगे पावल। 4x को कहते हैं क्वाड्रपल 5x को क्विंटिपल 6x को सिक्सटिपल सिक्सटिपल नहीं तो चप्पल सेक्टपल ऐसे कहते हैं। 7x को कहते हैं सेक्टपल मोबाइल देख लो सेक्टपल सेक्टपल मोबाइल का खेल है नहीं हमने ये करके रखी है। 8x को कहते हैं ऑक्टोपल ऑक्टोपल 9x को कहते हैं नॉनिपल और डेकापल डेकापल कहते हैं अच्छा जितने उल्टे सीधे रिवर्ड है तब अच्छे कहे जाते हैं। देखो टर्न गई यार बहुत तेज लगती है यार। हम लोग लाते हैं वो जो स्पीकर नहीं आता है हाँ। जमीन में लगाने वाला वो लाए है ना वो लगाए और अपने रूम को बनाए एस ठीक ठीक कब बताओ कब कभी भी लिया जब पैसे खर्च करो तब खर्च करवाने के लिए तैयार है।